माय डियर लिटिल फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही कलरफुल सी, प्यारी सी, मज़ेदार सी एक्टिविटी। तो तैयार हो जाओ, एप्रन्स पहन लो ताकि आपकी ड्रेस गंदी ना हो और मम्मी से डांट ना पड़े। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ये पॉलीथीन। हाँ, ये वही पॉलीथीन है जिसमें मम्मी सूट और साड़ी लेकर आती हैं दुकान से। इसके नीचे मैं वाइट पेपर रख रही हूँ सो दैट यू कैन सी माई कलर्स प्रॉपरली एंड हाउ आई एम स्प्रेडिंग देम। इसमें मैंने अपने फेवरेट कलर्स निकाल लिए और थोड़ा सा पानी मैं डाल रही हूँ, उसके बाद मैं इनको स्प्रेड करूँगी। कलर्स को स्प्रेड करने के बाद जब एक अच्छा सा टेक्सचर दिखाई देने लगे तो उसके ऊपर आप अपनी वाइट शीट्स रख दो और उनको हल्का सा प्रेस करो और फिर उनको उठा के देखो। यू विल गेट अ ब्यूटिफुल टेक्सचर, कलरफुल टेक्सचर ऑन योर शीट। अब हम क्या करेंगे, हम इन शीट्स को सूखने के लिए रख देंगे। मैं यहाँ पे एक ही कलर पैलेट से तीन शीट्स पे प्रिंट ले रही हूँ, वो कलर इम्प्रेशंस में तीन शीट्स पे ले रही हूँ, मतलब हम तीन आर्टवर्क्स क्रिएट करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा है पहले ही, इसके ऊपर हम क्या काम करेंगे, लेकिन हम इस इंटरेस्टिंग टेक्सचर को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीडियो, यू विल गेट टू नो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ये जो कलरफुल सा इम्प्रेशन हमारे शीट पे आया है उसमें आपको बीच बीच में वाइट स्पेस दिखेगा। अब एक ब्लैक स्केच पेन लेके आप उस वाइट एरिया को आउटलाइन कर लीजिए। वो वाइट एरिया छोटा है या बड़ा है, आपको उसको अच्छे से आउटलाइन करना है। ट्राई टू ऑब्जर्व द शेप्स, सी हाउ नेचुरली द कलर्स हैव स्प्रेड एंड यू आर गेटिंग दीज एब्स्ट्रैक्ट वाइट शेप्स, जस्ट आउटलाइन इट। इस वाली कॉम्पोजिशन के लिए मैं दो पिक्चर्स निकालने वाली हूँ एक मैगजीन में से, ये पुरानी मैगजीन है। तो एक घर मुझे दिखा है सुंदर सा और कुछ ग्रीनरी दिखी है which I'm going to use in my composition and just see how I'm going to use these pictures to create a beautiful composition. ऐसी आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, जो थीम आपको बनाने का मन करे। आपको कोई कार्टून अच्छा लग रहा है, कोई एनिमल अच्छा लग रहा है, कोई क्लाउड अच्छे लग रहे हैं, जस्ट टेक एनी थिंग यू लाइक इन अ मैगजीन और इन द न्यूज़पेपर एंड क्रिएट अ ब्यूटिफुल आर्ट वर्क अराउंड इट। इन शीट नंबर टू आई एम गोइंग टू क्रिएट समथिंग रिलेटेड टू वाटर, अंडर वाटर लाइफ। सो यू गोना सी सम ब्यूटिफुल फिशेज सून, कीप वॉचिंग। येस, अबाउट द पेंट्स आई यूज आर नॉर्मल पोस्टर पेंट्स एंड उसके बाद मैं पेंसिल कलर्स यूज कर रही हूँ फॉर स्क्रिबलिंग एंड डिटेलिंग। मैं ऑयल पेस्टल्स भी यूज़ कर रही हूँ and I'm using this thin marker for outlining.
दिस वन इज सिंपली गोइंग टू बी अ कलरफुल कॉम्पोजिशन. सो टू सी हाउ आई एम डूइंग इट एंड हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन ब्यूटिफुल कलरफुल कॉम्पोजिशन यूजिंग दिस टेक्निक. So children, today I hope you learned something new. I hope you will be able to bring out your creativity in a more beautiful way. I hope you will try this activity and you will share the pictures with me. Thank you so much for watching the video. Enjoy this activity and impress your teachers and your parents and your friends. All the best. Thank you.